खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी को याद करते हुए ये पंक्तियाँ कई बार पढ़ी जाती हैं। ये पंक्तियाँ देश के करीब करीब हर बच्चे को याद है, लेकिन शायद ही किसी को पता हो कि आखिरकार ये पंक्तियाँ लिखी किसने थी। इस कविता की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। भारत की अग्रणी लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान की आज 117वीं जयंती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की उपलब्धियों का सम्मान करते हुए गूगल ने उन्हें अपना डूडल समर्पित किया है। इस डूडल में सुभद्रा कुमारी साड़ी पहने नजर आ रही हैं। उनके हाथ में कलम है और वो कुछ लिख रही हैं। उनके पीछे रानी लक्ष्मीबाई और स्वतंत्रता आंदोलन की झलक है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के पास निहालपुर में हुआ था। पिता रामनाथ सिंह जमींदार थे, लेकिन पढ़ाई को लेकर जागरूक भी थे। अपनी प्रतिभा को देखते हुए सुभद्रा ने भी बचपन से ही कविता पढ़ना शुरू कर दिया था। पहली कविता 9 साल की उम्र में छपी, जिसे उन्होंने एक नीम के पेड़ पर ही लिख दिया था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने भीतर की भावनाओं और जज्बे को सिर्फ कागज पर ही नहीं उतारा, बल्कि उसे असल जिंदगी में जिया भी है। वो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला थी। सुभद्रा कुमारी ने भारत की आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई, जिस वजह से कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से दूसरे लोगों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित भी किया। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं ने हमेशा आजादी के दीवानों को प्रेरित किया। 15 फरवरी 1948 को 44 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया। अपनी मृत्यु के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक बार कहा था, मेरे मन में तो मरने के बाद भी धरती छोड़ने की कल्पना नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरी एक समाधि हो जिसके चारों तरफ मेला लगा हो, बच्चे खेल रहे हो, स्त्रियां गा रही हो और खूब शोर हो रहा हो। स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी ये पंक्तियाँ आज भी हर भारतीय के अंदर देश प्रेम की भावना को जागृत करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल फ्लेवर न्यूज़।